तो चलिए गाइस, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं एलविस यादव के बारे में। तो अभी गाइस एलविस यादव का मिर्ची पंजाबी के चैनल पर एक पॉडकास्ट वीडियो आया है और यहाँ पर गाइस एलविस यादव ने अपने बारे में काफी सारी चीजें बताई है। जैसे कि एलविस यादव से गाइस यहाँ पर पर्सनल लाइफ को लेकर भी और ब्लॉग वीडियो को लेकर भी सवाल पूछा गया था, जिस पर गाइस एलविस यादव बोले कि मेरे साथ में काफी सारी चीजें होती है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जिसको कि मैं ब्लॉग वीडियो में बिल्कुल भी नहीं दिखाता हूँ और मैं ये सब चीजें बताना जरूरी भी नहीं समझता क्योंकि बाद में यही सब चीजों को लेकर मुझे काफी ज्यादा हेट मिलने लगता है। जैसे कि अभी गाइस एलविस के इस इंटरव्यू वीडियो के बाद हमें ट्विटर पर काफी सारे एलविस यादव से रिलेटेड ट्वीट देखने को मिले हैं। जैसे कि यहाँ पर गाइस किसी ने ट्वीट करके एलविस यादव के बारे में लिखे हैं, यहाँ पर गाइस किसी ने ट्वीट करके लिखे हैं कि एलविस से ज्यादा फैंस को तो एलविस के लाइफ में ही इंटरेस्ट रहता है, ये सब तो हम लोगों को जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन एलविस फैंस तो एलविस यादव की गर्लफ्रेंड के बारे में ही सारी चीजें रिसर्च करते हैं जिससे कि ना ही उसे फर्क पड़ता है और ना ही हमको फर्क पड़ता है। वेल, आप लोगों को गाइस क्या लगता है कि क्या एलविस यादव के बारे में आपको सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में ही जानने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है? आप लोग हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में और गाइस हम बात करते हैं एलविस यादव के बारे में। तो एलविस यादव ने गाइस अपने आज वाले ब्लॉग वीडियो में काफी ज्यादा शॉकिंग चीज को शेयर किए हैं। यहाँ पर गाइस एलविस यादव ने अपने से रिलेटेड एक काफी ज्यादा शॉकिंग स्टोरी को शेयर किया। आप लोग इस वीडियो क्लिप में सबसे पहले देखिए। कहानी सुनाता हूं। मेरे पे पोर्श थी पीले वाली कन्वर्टिबल, तो रात को गूगल मैप को लेके हम जयपुर में रास्ते चल पड़े और बीच में पहाड़ वहाड़ का रास्ता आ गया। मैं और अर्चित, तो भाई खेत वेत आ गए, कंकड़ी पत्थर आ गई, पहाड़ आ गया। अब यूं और पहाड़ आ गया तो हम पहाड़ में फंस गए कि भाई ये कहाँ गई, गाड़ी भी नीचे से लगने को हो गई। फिर हमने गूगल मैप खोल के देखा तो इधर की साइड था शमशान घाट। तो चित्रांश ने हमको फ़ोन करा, कह रहा कि भाई लाइव लोकेशन भेज रखी थी, कह रहा भाई वहाँ पे ना गाड़ी में से बाहर मत निकल, हमने कन्वर्ट कर रखी थी गाड़ी। मैंने कि क्यों, कह रहे वो लेपर्ड सेंचुरी में हो आप। तो फिलहाल गाइस आप लोगों का इस पर और भी क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में और गाइस हम बात करते हैं कीर्ति मेहरा के बारे में। यहाँ पर गाइस कीर्ति मेहरा को किसी ने स्नैपचैट में कमेंट करते हुए लिखे हैं कि कीर्ति मेहरा यू आर सो लकी, यू गॉट द बेस्ट फेम एंड ऑडियंस, यानी कि आपको काफी अच्छा फेम एंड ऑडियंस मिला है। जैसे कि गाइस हम लोग, वेल इस पर कीर्ति मेहरा भी रिप्लाई करते हुए ऊपर में लिखे कि आई नीडेड। बाकी आप लोगों को गाइस इस पर और भी क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। तो अभी के लिए गाइस सिर्फ इतना ही अपडेट था, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।